नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबर औरैया जिले से है। यहां फिरौती की नियत से अपहरण किए गए 1.5 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। फिरौती की नियत से अपहरण के मामले में पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फफूंद थाना क्षेत्र के बाबा कापुरवा गांव से गायब हुए 14.5 वर्षीय बच्चे को जुआ पुल के पास से 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने अपहरण के मामले में एक आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने शिष्यपाल ने बताया है कि आगे विधिक कार्रवाई अब की जा रही है। दिनांक 3/1/2022 को थाना फफूंद क्षेत्र के एक बच्चे का अपहरण हो गया था और जिसकी सूचना मिलने पर थाना फफूंद ने FIR दर्ज की और साथ ही साथ में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज उस बच्चे की बरामदगी हुई है और उसके साथ एक अभियुक्त को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि वो बच्चा जो था वो उन्हीं के एक रिश्तेदार ने जो वो पैसे के लिए उसका अपहरण कर लिया था। औरैया जनपद में आज BJP के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का किसान जनसभा को संबोधन करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को आना था आज औरैया जनपद के अछलदा ब्लॉक में एक BJP के किसान सम्मेलन में जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम था, जिसमें भीड़ भी उमड़ी थी। लोग इंतजार कर रहे थे, हेलीपैड की ओर निगाहें गड़ाए हुए थे और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जी का एकाएक औरैया के जिलाध्यक्ष द्वारा घोषणा कर दी गई कि मौसम खराब होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा, इसलिए वह मोबाइल के जरिए से वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस अवसर पर इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया और राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने मंच पर किसानों को संबोधित किया। रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अगर जरा सा भी मौसम ठीक हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं, लेकिन सभा समाप्त होने तक नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष मोबाइल के माध्यम से जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास, जितने भी डेवलपमेंट की योजनाएं थी उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई हो, सभी को एक जैसा व्यवहार किया गया, सबके साथ एक जैसा, सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मुझे लगता निश्चित रूप से उनका भी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। बांदा जिला खाद्य विपणन अधिकारी के टॉर्चर से गर्भवती महिला कर्मचारी के बच्चे की कूख में ही मौत का मामला सामने आया है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला कर्मचारी लगातार छुट्टी की मांग कर रही थी। न्याय के लिए पीड़ित व उसके परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। तो बांदा में प्रेगनेंसी के दौरान महिला लगातार छुट्टी की मांग कर रही थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली, जिसके बाद आपको बता दें कि गर्भवती महिला के बच्चे की उसकी कूख में ही मौत हो गई। अब ऐसे में पीड़िता के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। कि हमारी दीदी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जिस मामले को चलते हुए उन्होंने अभी कुछ 27 तारीख को उन्हें एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए, ठीक है, 2 दिन का अवकाश के लिए दिया था और उनको डॉक्टर ने चार वीक की छुट्टी दी थी, ठीक। उसमें क्या हुआ कि इनके जो अधिकारी हैं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं, तो इन्होंने उनकी छुट्टी रेस्ट कर दी थी, बीच में रोक दी थी, जिस मामले में उन्होंने कल जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि उनकी अचानक, इनके जो अधिकारी हैं, खाद्य विपणन अधिकारी हैं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, इन्होंने क्या किया, काफ़ी उन्हें मानसिक टॉर्चर किया है, उन्हें इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया था और ऑफिस में सबके सामने धुतकार के भगा दिया था। और उसके बाद ये वो फोन में धमकी भी दी थी, नोटिस जारी करेंगे, तो वह छुट्टी भी नहीं मांगते थे और किसी प्रकार की कोई बात हो तो उनके ऊपर बहुत मानसिक दो जगह का चार्ज दिए हुए थे उनको, ठीक है। इसके बाद उनके ऑफिस में तबीयत खराब हो गई, ऑफिस में तबीयत खराब होने के बाद उनको भरवाया गया, उसमें उनका मिसकैरेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बस्ती दौरा कल होना है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दिन में 12 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वो महाराजा दशरथ कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही मखौड़ा धाम से 84 कोशी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम कल बस्ती में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री का बस्ती दौरा भी कल होना है।
बस्ती जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको किसी प्रकार की घटना कारित करने में किसी प्रकार का भय नहीं है। बेखौफ बदमाशों द्वारा कार को रोककर 2 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला कर मरणासन्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए थे। मामला बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक प्रमुख के पास टीवीएस एजेंसी का है, जहां अपने घर जा रहे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह के ऊपर भरवलिया गांव के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा प्राण घातक हमला कर दिया गया। बदमाशों द्वारा जितेंद्र सिंह की इतनी पिटाई की गई कि वह घटनास्थल पर अचेत हो गए। अचेत अवस्था में मृत समझकर बदमाश घटनास्थल पर घायल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को छोड़कर फरार हो गए। रास्ते से जा रहे एक स्थानीय ने इस बात की जानकारी जितेंद्र के परिजनों को दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर उनको पहुंचे, जहां स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए उनको रेफर कर दिया गया। जितेंद्र सिंह की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। मुखबिर की सूचना पर लालगंज व रुदौली की संयुक्त टीम ने आज बस्ती रोडवेज से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जनवरी की शाम को बनकटी ब्लॉक के प्रमुख के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह को शाम के समय कुछ लोगों ने उनके कार में घुस करके मारा पीटा, जिसमें उनको आई हुई चोटों का इलाज लखनऊ में चल रहा है। इस संबंध में पुलिस ने 307 और 7CLA एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। तहरीर में 7 लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। नामजद लोगों में से 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, किसी के ऊपर 3, किसी के ऊपर 6 मुकदमे लिखे हैं। इन अपराधियों के आपराधिक इतिहास के आधार पर इनकी शीट भी खोली जाएगी और इनको जो भी कोई सरकारी सुविधा मुहैया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले थाना गुलावटी द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। बुलंदशहर कप्तान संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। DIG SSP संतोष कुमार ने बताया कि बरामदगी में 18 तमंचे बने हुए पाए गए, जिनमें 11 तमंचे 315 बोर, 5 तमंचे 12 बोर के हैं, 14 तमंचे अनिमृत बरामद हुए हैं, जिनमें 20 315 बोर, 4 तमंचे 12 बोर के हैं। अभियुक्तों को थाना गुलावटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि थाना गुलावटी क्षेत्र के ही निवासी हैं। गत दिनों से डासना गाजियाबाद में ये लोग रह रहे थे। देखिए, थाना गुलावटी पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा गुडवर्क किया गया है। चुनाव के पूर्व एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें 18 तमंचे बने हुए हैं, जिनमें 13 तमंचे 315 बोर के, 5 तमंचे 12 बोर के हैं, 14 अधभने तमंचे हैं, जिसमें 315 बोर के 20 और 12 बोर के 4 तमंचे हैं जो अधभने हैं। तो इस तरह से एक बड़ी अच्छी ये उपलब्धि रही है। इन गिरफ्तार 2 अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में इस अवैध शस्त्र को बनाने में जो भी उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सब की बरामदगी की गई है। उल्लेखनीय यह है कि ये दोनों अभियुक्त रहने वाले यद्यपि गुलावटी थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से जासना में रह रहे थे। फरुखाबाद में सपा नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर IT और GST का छापा पड़ा है। 4 घंटे से आपको बता दें कि छापेमारी लगातार जारी है। टीम के आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी फ्लोर मिल में मौजूद हैं। सपा नेता तारिक सेठ की मुंबई समेत कई राज्य और विदेशों तक कच्चे माल की सप्लाई होती है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर के मुताबिक प्रथम दृष्टया GST टैक्स में चोरी का मामला सामने आया है। इसके साथ ही मुंबई ऑफिस से जरूरी कागजात मंगाए जा रहे हैं। बता दें कि कंपनी का 10 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। थाना व कस्बा कमालगंज क्षेत्र में स्थित तारिक सेठ के फ्लोर मिल का यह पूरा मामला है। फरुखाबाद के कादरी गेट में वर्चस्व को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच विवाद के बाद सरे रहा फायरिंग हो गई। फायरिंग के चलते शहर के प्राइवेट बस अड्डे पर हड़कंप मच गया। दोनों गुटों के बीच पहले से विवाद का मामला बताया जा रहा है। वहीं एक युवक को पुलिस ने मौके से पकड़ा है। घटना में शामिल 3 अन्य युवक फरार बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक अमन शुक्ला को आवास विकास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही घटना की सूचना पर ASP COCT शहर कोतवाल समेत भारी पुलिस बल जिला अस्पताल लोहिया पहुंचा और जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती आरोपी से ASP ने पूछताछ की है।
उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के द्वारा लगाए गए मंडी शुल्क के विरोध में आज फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अंबेश शर्मा के निर्देशन में मंडी शुल्क के विरोध में शव यात्रा निकाली गई और पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने अर्थी निकालकर जैन मंदिर पर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल गल्ला मंडी पर लगाए गए शुल्क के विरोध में व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष ने अंबेश शर्मा के निर्देशन में सैकड़ों व्यापार मंडल के लोग एकजुट होकर सड़कों पर अर्थी निकाल रहे थे और फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे पर उन्होंने पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष ने कहा, मुझे उम्मीद है यूपी के मुखिया हमारी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो व्यापार मंडल द्वारा आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री मुकुंद मिश्रा के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो मंडी शुल्क लगाया गया है, चाहे मंडी के अंदर शुल्क लगाया हो या नया शुल्क बाल लगाया हो, मंडी शुल्क के विरोध में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आदेश हमको मिला था। 3 तारीख को हम व्यापारियों ने मेरे महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल और कैलाश उपाध्याय जी के साथ मंडी समिति पर धरना दिया था। 5 तारीख को आज हमने मंडी शुल्क का पुतला दहन किया है और 7 तारीख को हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर मंडी को बंद कराने का काम करेंगे। देखिए, हम मंडी शुल्क लगाने वाले अधिकारियों से ये आग्रह करते हैं, जैसे उन्होंने किसानों का कानून वापस लिया, ऐसे उन्होंने हम व्यापारियों को कानून सौंपा है, उसे वापस लेने का काम करें। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने घर और फ्लैटों में रेकी करके चोरी करने वाले अंतरजातीय 3 शातिर चोरों अशरफ, सलमान, राजू सोनी को संतोष मेडिकल कॉलेज पर मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करा है। आपको बता दें कि अभियुक्तों से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और चोरी में उपयोग में आने वाले उपकरण और 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग बंद पड़े घर और फ्लैटों की रेकी करके उन घरों के पास ही मकान किराए पर लिया करते थे। रात को उन जगह को निशाना बनाते थे और गाजियाबाद के विजयनगर में ही कई चोरियों को खुलासा भी इनके द्वारा किया गया है। देखिए, कल रात पे थाना विजयनगर को एक सूचना मिलती है कि अपने मुखबिर खास से कि कुछ चोर जो कि एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं चोरी करने के लिए, तो हमारे विजयनगर इंस्पेक्टर साहब मैं फोर्स वहां जाते हैं। वहां पे उन्होंने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो लोग कि अपनी होंडा सिटी गाड़ी से थे और स्कूटी से थे। इन लोगों से कड़ाई से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अब बंद घरों में, बंद फ्लैट में और अन्य मकानों में ये पहले स्कूटी और अन्य चीज़ों से रेकी करते थे, उसके बाद उसमें चोरी करते थे। इनकी जब तलाशी ली गई और इनकी निशानदेही पे हमें काफ़ी सारा माल बरामद हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण हैं, चांदी के आभूषण हैं। उसके साथ साथ हमें अलग अलग जो है आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, विभिन्न नंबर प्लेट्स प्राप्त हुए हैं जिनका मैचिंग किया गया। तो हमारे विजयनगर थाने की जो है घटनाओं को करना उन्होंने कबूला है। इसके साथ साथ हम हमारे गाजियाबाद जनपद के अन्य थानों से भी संपर्क करके अन्य मुकदमों में ये देख रहे हैं कि मुकदमों में इनकी संलिप्तता थी। इसके साथ साथ अन्य जनपदों से भी हम बातचीत करके जानने के प्रयास कर रहे हैं इसके बाद कि ये कहाँ कहाँ की घटनाएं की। वहीं कानपुर के 47 बटालियन PSC में 300 से अधिक रिक्रूटर्स का पासिंग मार्च हुआ। पुलिस के सभी आला अधिकारियों समेत कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसमें शिरकत की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने सभी नौजवानों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो कानपुर से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर पीएसी में 300 से अधिक रिक्रूटर्स का पासिंग मार्च हुआ है। पुलिस के सभी आला अधिकारी आपको बता दें कि मौके पर मौजूद रहे, साथ ही साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी इसमें शिरकत की और नौजवानों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मुरादाबाद को भी आज से इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हरी झंडी दिखाते हुए इन बसों की सौगात प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह ही मुरादाबाद के लोगों को भी नए साल का तोहफा दिया है। मुरादाबाद के लोग भी अब वातानुकूलित बसों में सफर कर सकेंगे। मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहर की सड़क पर इन बसों में सफर किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुरादाबाद वासियों की तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुरादाबाद को इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी गई है। स्मार्ट सिटी की तरफ एक और कदम मुरादाबाद का है ये। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुरादाबाद को उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी में रखा, उसमें लगातार मुरादाबाद को स्मार्ट करने के लिए काम चल रहा है और इसी कड़ी में ये इलेक्ट्रिक बस मुरादाबाद को मिली है। इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भैया कुल मिलाकर बधाई की कितनी बस आई मुरादाबाद में? मेरे ख्याल से 24 बसेस मुरादाबाद में दी गई हैं। उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया है। तो आपको बता रहे हैं कि आईजी लक्ष्मी सिंह आज रायबरेली पहुंची, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।